आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है बिहार से। बिहार में पूजा जी ने ये सत्य घटना शेयर की है। उनके पड़ोस में एक आंटी रहती है, जिसके साथ पूजा जी का बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा अच्छा रिश्ता है। बिल्कुल पूजा और वो आंटी का ऐसा रिश्ता है जैसे एक माँ बेटी का होता है, जो कि दूर दूर से उनका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक पड़ोसी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे रिश्ते इतने अच्छे कैसे बन जाते हैं, जब हमारे विचार किसी से मिलते हैं तो उससे अपने आप हमारे रिश्ते बन जाते हैं। ऐसे ही पूजा जी के साथ हुआ। वो जो आंटी है बहुत ही धार्मिक है, बहुत सीधी सरल है, बहुत ही अच्छी है। जितनी पूजा जी कहती है, जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। जितनी बड़ी है, जितना बड़प्पन है, उतना ही नम्रता है। इतनी बड़ी होने के बाद, इतना पैसे वाली होने के बाद, बहुत ही सहज है। उनके नेचर में बिल्कुल भी ये नहीं झलकता है कि इनके अंदर घमंड है किसी चीज का। बहुत ही सहज भाव से रहती हैं, बड़ी सरलता से रहती हैं, बड़ी नम्र हैं। तो इतनी मतलब उनसे बात करो तो इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। लेकिन उनका जीवन कैसे बदला, कैसे उनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा, क्योंकि इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी पूजा पाठ करने वाले। लोग कह देते हैं ना कि इतना अच्छे हो, अगर आप इतने अच्छे हो तो फिर आपको इतने कष्ट क्यों है, आप इतने परेशान क्यों हो। तो ये जो परेशानियां आती हैं, हर किसी के जीवन में परेशानियां आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। सबके जीवन में आती है, लेकिन आती तो है, लेकिन बड़े आसानी से निकल जाती है। कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं है। जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे, जो कि हमारी परेशानी का कारण बनती है। ऐसे ही हुआ ये आंटी के साथ। इनके घर में अभी कुछ साल पहले ही बेटे की शादी हुई है और बहू आई है। बहू बड़ी मॉडर्न जमाने की है, उसको ज्यादा रीति रिवाज अगर जैसे वो आंटी बताती है, कुछ समझाने की कोशिश करती है, तो वो उतना ध्यान नहीं देती। उसको लगता है कि सब ये ऐसी बातें हैं, मतलब इस जमाने के हिसाब से नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब हर चीज में वो एक अपना वो बता देगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जैसे कि अब क्या है कि ये ना देखा देखी बहुत करती है, इसके कहीं देखी होगी। आजकल ना जो लड्डू गोपाल हैं बड़े उसमें चल रहे हैं, ये समझो कि भक्ति कम दिखावा ज्यादा हो रहा है, ट्रेंड में चल रहे हैं। ऐसे ही इसके साथ था। अब इनके घर में जो आंटी हैं उनके पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, जिनकी ये सेवा करती थी, और उन्हीं में इनकी ममता थी, उसी में प्यार था। लेकिन ये जो बहू थी, बहू को तो भाई जमाने के हिसाब से चाहिए। बहू कहती कि ये वाले छोटे वाले लड्डू गोपाल में मेरा मन नहीं लगता है, बाजी ऐसे करते हैं कि बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आते हैं और पैसे की कोई कमी थोड़ी है कि इतने छोटे रखें। तो सास समझाती है कि बेटा ये पैसे वाली बात नहीं होती, हमारा जिससे मन लग जाए। और छोटे और बड़े से कुछ थोड़ी होता है कि बड़े लड्डू गोपाल हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, छोटे लड्डू गोपाल हैं तो वो कम अच्छे हैं, या कि छोटे लड्डू गोपाल इतनी कृपा नहीं करते, बड़े लड्डू गोपाल ज़्यादा कृपा करते, ऐसा भी कुछ नहीं है। जिस भाव से आप मानोगे, चाहे वो मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ भी हो, भगवान आपके सिर्फ भाव देखते हैं, आपका सिर्फ मन देखते हैं। वो ना तो बड़े रूप में, ये नहीं होता कि अगर हम बड़े बड़े रूप लेके आए तो वो ज्यादा कृपा करें, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका मन अच्छा है, आपका भाव मिल रहा है उनके साथ, तो वो छोटे से लड्डू गोपाल भी कृपा करते हैं, उतने ही कृपा करते हैं जितने की बड़े लड्डू गोपाल या की मंदिर के भगवान कृपा करते हैं। लेकिन ये कहां समझने वाली थी बहू, बहू को तो एक बार आ गया सो आ गया। अब वो कभी सेवा के लिए, कभी जैसे अब बुजुर्ग हो चली हैं, उनकी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कुछ लगा ही रहता है अब उम्र के हिसाब से, तो वो कभी अपनी बहू से कहती कि बेटा आज मेरी थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो ऐसा करना कि कुछ भगवान के लिए कुछ बना देना और आज उनकी सेवा लेना, उनको नहला हिला देना। तो बहू क्या कहती, एक होता है देखो, बड़े होने का मतलब ये नहीं होता, या कि पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने से बड़ों के साथ तर्क वितर्क करेंगे। अगर बड़े कुछ कह रहे हैं आप उनकी बात मान लो, यही पढ़े लिखे होने का मतलब होता है। अगर आप तर्क वितर्क करेंगे तो फिर ये आपको पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। पढ़ी लिखी थी, सब कुछ थी, लेकिन वही था कि मुंह की बहुत तेज थी, मुंह में कभी कुछ भी उसकी आता ये नहीं सोचती कि ये बड़ी है, अगर कुछ कह रही है तो मैं मान लूंगा। वो कहती माँ कर तो दूंगी मैं इनकी सेवा, लेकिन ना मेरा मन नहीं लगता ये छोटे से लड्डू गोपाल को देख के, और जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे मेरा पूजा करने में मन नहीं लगता, और मैं मेरे मन में ये आता है कि मैं बड़े से लड्डू गोपाल ले आऊँ तभी मैं पूजा करूंगी, और मेरे से पूजा पाठ करने के लिए आप मत बोला करो जब तक बड़े लड्डू गोपाल नहीं आ जाते। तो वो कहती है कि बेटा बड़े हों या छोटे हों, अगर घर में विराजित हैं तो उनकी सेवा तो करना पड़ेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कर दो, ऐसे करके बड़ी मन्नत करती, तब कहीं जाके वो बहू भगवान को नहलाती धुलाती बिना मन के, और है तो उनकी सेवा करती। अब कुछ दिन से तो ये लगी ही थी कि बड़े लड्डू गोपाल लाना है, बड़े लड्डू गोपाल लाना है। अब अपने हस्बैंड से जिद करके कहती है कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। सबके घर में कई लोगों का नाम गिना दी, अपनी सहेलियों का नाम गिना दी, आस पड़ोस के लोगों को कह दी कि उनके घर में इतने बड़े हैं, इनके घर में इतने बड़े हैं, मेरी सहेली के घर में इतने बड़े हैं, तो मुझे भी बड़े ही लड्डू गोपाल चाहिए। अब हस्बैंड करते तो करते क्या, वो भी बोले कि ठीक है ले आना, अभी मेरे पास छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है, फिर कभी चलेंगे। लेकिन वो जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे बड़े वाले ही चाहिए। तो उसके हस्बैंड और सास कहती है कि ठीक है तू बड़े बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आएगी, लेकिन नियम नियम कर पाओगी तुम उनका, उनकी सेवा कर पाओगी। अभी छोटे वाले में तो तुम कह देती हो कि मेरा मन नहीं लगता है ये, उनके साथ मन लगेगा तुम्हारा? तो वो कहती है कि हाँ मेरा मन लग जाएगा। और तो सास कहती है उनकी कि इनमें बहुत नियम होता है, बहुत वो करना पड़ता है, तुम ये सब चीज़ कर लोगी? वो कहती है हाँ कर लूंगी।
और कुछ दिन पहले क्या होता है कि बहू की जो फ्रेंड थी वो गई हुई थी वृंदावन, वृंदावन गई थी तो वहां से प्रसाद साथ सब कुछ लाई और प्रसाद के साथ उसमें कंठी माला, तुलसी की जो माला होती है वो लेके आई, वो प्रसाद दी। तो बहू ने कहा कि माँ इसको मैं पहन लूँ, तो सासू ने सास बोली कि हाँ पहन लूँ, लेकिन इसके साथ नियम है, देखो जो भी तुलसी माला पहनते हैं तो नियम का पालन करते हैं, उसमें लहसुन प्याज नहीं खाई जाती है और बिल्कुल सात्विक रहा जाता है, तो तुम ऐसे कर लोगी, अगर करना है तो ही पहनो, नहीं तो मत पहनना। तो वो कहती है कि अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जबरदस्ती का ज्ञान वो करती हो, और दुनिया इतने सारे लोग पहनी हुई है, मेरी सहेली भी पहनी है, तो क्या वो लहसुन प्याज थोड़ी छोड़ दी, और भगवान ऐसा थोड़ी है कि भगवान लहसुन प्याज खाने वाले से नाराज रहते हैं और उनसे प्रसन्न नहीं रहते, भगवान लहसुन प्याज खाने वाले से भी प्रसन्न होते हैं, ऐसे कह देती है, अपनी मतलब कोई चीज मानना नहीं, हर चीज में अपना ज्ञान बता देती थी। अब वो सास बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मानी नहीं, वो जो सहेली है उसको कंठी माला दे गई थी, वो कंठी माला उसने धारण कर लिया, तुलसी की माला। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि तुलसी की माला पहनना इतना, अगर आप पूरे तरीके से अपने आप को वो कर लें, तैयार कर लें, तभी आप तुलसी की माला धारण करें, ये कोई शौक नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है कि आप देखा, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो देखा देखी नहीं की जाती, ये हमारे अंदर से एक सात्विकता वाली बात होती है कि जब हम अंदर से अपना मन बना लें, दिखावे वाली बात नहीं कि दिखाने के लिए कि अरे लोग सोचें कि कितना कितनी भक्त है या कि कितनी वो है, इतना वो कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, ये सब भक्ति दिखाने वाली चीज़ नहीं होती, भक्ति अंदर से होती है। और ये इसका क्या था कि ये सिर्फ दूसरों को देख के और उसकी उसमें रहती थी कि अगर वो कर रहे हैं मैं भी करूंगी, उसने कंठी माला धारण किया लेकिन कोई नियम नहीं कर रही थी। कुछ दिन हो गए, सास बहुत समझाती, बेटा ऐसा मत करो, कंठी माला पहनी हो, थोड़े नियम रखो, लहसुन प्याज तुम खाती हो, बाहर जाती हो, रेस्टोरेंट में जाती हो, सब खाती पीती हो, तुम नियम नहीं कर रही हो बेटा, ये अच्छा नहीं है। कुछ दिन के बाद सुनती है, अनसुनी कर देती है। कुछ दिन के बाद घर में लड्डू गोपाल ले आती है, उनकी सेवा करने लगती है, पहले मंदिर नहीं जाती थी लेकिन अब मंदिर जाने लगती है, रोज उनकी वीडियो बनाए और अपने इंस्टा में पोस्ट करती थी, बस वो दिखाने के लिए उनके साथ रील बनाना, उनके सिर्फ यही उसकी, सिर्फ लड्डू गोपाल लाई थी तो उनके साथ उसका कोई भाव नहीं था, बस वो रील के टाइम पे उनको तैयार करे, अब वो पानी रखा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई वो नहीं, ना तो वहाँ पे कोई उनकी व्यवस्था की, अगर गर्मी है तो उनके लिए कुछ पंखे की, कूलर की, एसी की कुछ व्यवस्था करे, अपना पूरे टाइम एसी में रहे, और भगवान यहाँ पे ऐसे ही। अब वो जो आंटी थी वो तो अब ध्यान रखती थी, वो जहाँ रहती अपने लड्डू गोपाल को रखती, वहाँ पे पंखे की व्यवस्था करती, देखती कि पंखा बंद तो नहीं हो गया, सब कुछ, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या होता है कि ये अचानक से, इसमें अब कुछ नहीं था पहले, अचानक से इसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है, डॉक्टर के पास जाती है, कोई वो नहीं होता, कुछ भी नहीं निकलता है कि कोई बीमारी निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है, बस इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। अब सर्वाइकल ऐसा कि ना तो इससे झुकते बन रहा है, ना तो बैठते बन रहा है, अब ये कैसे हो गया, सर्वाइकल का तो कोई इलाज भी नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट हो। अब वो जो कंठी माला पहनी थी उसको लगे कि इसकी वजह से हो रहा है क्या, मेरे गले में ऐसे फंस रहा है, ये हो रहा है, वो बार बार कहे कि माँ ऐसा तो नहीं, सास से अपनी कैसा तो नहीं कि मैंने कंठी माला पहनी है तो इस वजह से हो रहा हो। तो वो कहती है कि बेटा ये कंठी माला है लेकिन इसमें बहुत नियम है, मैं इतने दिन से तेरे से कह रही हूँ कि कंठी माला बड़े नियम के साथ पहने जाते हैं लेकिन तुम मान नहीं रही हो, अब देखो अब तुमको बार बार अब तुमको ये लग रहा है कि ये कंठी माला की वजह से है, तो भगवान भी चाह रहे हैं कि अगर तुमने इसको धारण किया है तो इसमें कुछ नियम रखो, और है तो इसके साथ ये कोई दिखावा वाली कोई वैसी वाली चीज़ नहीं है, जो भी कंठी माला धारण करें सबसे पहले उनको लहसुन प्याज घर में सात्विक भोजन करें, और घर वाले अगर नहीं भी करते हैं तो उससे कोई, अगर आपने धारण किया है तो आप उस नियम का पालन करो, आप डस के उसमें नहीं रहो कि वो करें कि वो करें, आपने किया है तो आप उस नियम का पालन करोगी। अब लड्डू गोपाल बेचारे ऐसे ले तो आई थी लेकिन सेवा के नाम पे कुछ नहीं, अब वो एक दिन उनकी सास कहती है कि बेटा भगवान ले तो आई हो, पहले छोटे वाले के साथ तुम्हारा मन नहीं लगता था, अब तो बड़े आ गए हैं तो बड़े में तो और उनका खाना पीना सब का ध्यान रखो, अब उनकी भी तुम सेवा नहीं कर रही हो तो ऐसे कैसे होगा। अब एक दिन क्या होता है कि बेचारे उनकी ये सुबह से चली जाती है अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसके यहाँ कोई कार्यक्रम था उसके यहाँ चली जाती है, तो ना तो उनके पास, जैसे अब जा रही हो, अब तुमने कोई नियम रखा है, तुम अपने घर में लड्डू गोपाल रखी हो तो उसका वो ध्यान दो ना, कि अगर तुम जा भी रही हो तो पहले एक व्यवस्था करके जाओ, ये तो वैसे ही होते हैं जैसे एक बच्चा रहता है, बच्चा हमारे साथ, तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बच्चे की व्यवस्था सारी करके जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही तो ये लड्डू गोपाल है, वो सुबह से चली गई, ना तो उनका स्नान कराया, ना तो उनके लिए कुछ बना के गई, ना तो उनके पास कुछ रख के गई, कि जैसे हम जाते हैं तो सारी व्यवस्था अपने बच्चे के लिए करके जाते, कुछ भी नहीं। अब वो बेचारे बैठे हैं, आंटी की तबीयत ठीक नहीं, जब वो बेचारी उठती है दोपहर में कैसे भी वो करके जब देखती है तो देख के रह जाती है कि ऐसे ही बेचारे बैठे हुए हैं। अब वो कहती है कि कन्हैया लाला अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो अपनी बहू को समझा के हार गई, अब तुम ही उसको ज्ञान दो, तुम ही उसको कुछ सीख दो, तभी ये समझेगी, मेरे समझाने से ये समझने वाली नहीं है, ऐसे कहती हैं और उनसे बहुत माफी मांगती हैं कि अब मैं, मेरे से इतना हो नहीं पाता है, लाला तू समझ मेरी अवस्था को, और जितना हो सकता है मैं तेरी सेवा करती हूँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत ज्ञान थोड़ी बहुत बुद्धि मेरी बहू को दे दो, जिससे कि आपकी सेवा बड़ी आसानी से बड़ी अच्छे से होती रहे, आप भी खुश रहें और बहू के जीवन में भी कोई संकट न आए। अब क्या होता है कि अब लड्डू गोपाल का चमत्कार होना था, अब तो एकदम से उसका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, क्योंकि एक दिन क्या होता है कि ये आती है और इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत में क्या
उसके गले में दर्द शुरू हो जाता है और दर्द ऐसा कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। अपनी सास से बताती है तो सास कहती है कि हो सकता है कुछ तुमने खा लिया हो, इस वजह से नसें सूज जाती हैं, इस वजह से दर्द हो सकता है और कुछ नहीं है बेटा। तो वो मान जाती है, उसको लगा कि हो सकता है खाने की वजह से हो। जब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, दर्द में आराम नहीं हो, गला इतना तेज दर्द कि वो जब देखो तो वो गले को ही पकड़ी रहे। अब क्या होता है कि ये सास बोलती है, हस्बैंड बोलते हैं कि चलो डॉक्टर को दिखा देते। जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर देख के रह जाता है क्योंकि उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है कि कुछ अंदर से गले में स्वेलिंग है या कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी नहीं, ना तो इन्फेक्शन ना तो कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर भी हैरान रह जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है रिपोर्ट में और आप कह रहे हो कि इतनी तेज दर्द हो रहा है। अब वो वापस आती है हॉस्पिटल से और अपनी सास से सारी बात बताती है तो सास को समझने में टाइम नहीं लगता कि ये कुछ और नहीं, ये जो भी हो रहा है ये मेरे बिहारी मेरे लड्डू गोपाल कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये जो तू अपनी वो चलाती है ना अपने मन का कर रही है और गले में तूने तुलसी की माला धारण की है और उसका कोई परहेज नहीं कर रही और लड्डू गोपाल को लेके आई, इतने दिनों से कह रही थी बड़े लड्डू गोपाल चाहिए बड़े लड्डू गोपाल चाहिए, ले तो आई है लेकिन ना तो तू उसकी सेवा कर रही है, ना तो कंठी माला पहनी है तो उसका नियम का पालन कर रही है। बेटा ये सब चीजें सिर्फ दिखावा की नहीं होती है, तू मेरी बात मान के देख ले, अगर तू कंठी माला पहनी है तो कुछ दिन ऐसे नियम करके देख ले, कुछ दिन अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करके देख ले, फिर देख अगर तुझे ना आराम मिले तो कहना, फिर तू अगर तुझे आराम नहीं मिलता ये सेवा करने से और कंठी माला पहनी है तो लहसुन प्याज बिल्कुल मत खा, और अगर आराम नहीं मिलता तो फिर कहना और तू मत करना, इसके बाद कभी कोई नियम नहीं करना अगर तुझे आराम ना लगा तो। ये सुनती है तो उसको भी लगता है कि डॉक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रही है, उसको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो चलो इनकी ही बात मान के देख लेती हूँ, हो सकता है अगर ये बात सही निकली तो फिर मैं भी भगवान के सामने कहती है कि माँ जी मैं भी आज से लहसुन प्याज छोड़ दूंगी अगर मुझे आराम लगता है तो, नहीं तो अगर मुझे आराम नहीं लगता तो मैं ऐसे ही रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं कि आप लहसुन प्याज खाओ या ना खाओ, ये कोई मांस नहीं है, ये कोई अंडा नहीं है, लहसुन प्याज कोई गलत चीज़ नहीं है। फिर भी वो अपनी जिद पे लगी रहती है तो भी उसकी सास कहती है कोई बात नहीं तो और कुछ मत वो कर, जो मैं कह रही हूँ उतना मान ले, अगर तेरे गले में आराम लगता है ऐसा करने से तो फिर मानना, अभी मत मान दूं। तो वो सेवा शुरू कर देती है, कंठी माला तो धारण किए ही थी तो कुछ दिन के लिए कि एक हफ्ता माँ जी मैं करके देखती हूँ, अगर आराम मुझे मिलता है तो मैं आजीवन आपके सामने प्रण ले रही हूँ, भगवान के सामने प्रण लेती हूँ कि मैं आजीवन के लिए लहसुन प्याज छोड़ दूंगी और एकदम सात्विक रहूंगी। अगर सच में लड्डू गोपाल ये मेरे लिए कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, वो कुछ संकेत दे रहे हैं तो मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। क्या था फिर, ये तो कर रहे थे सब बिहारी जी, सब लड्डू गोपाल, धीरे धीरे वो उसके दर्द में कमी आने लगी और उसकी जो सेवा है वो बढ़ने लगी। ये देख के कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, हफ्ते पूरे नहीं हुए थे और उसके गले में एकदम आराम, ऐसा लग रहा था कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन अपनी सास के पास जाती है और कहती है माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा था, ये सब कुछ लड्डू गोपाल कर रहे थे और आज मेरे कोई भी दर्द नहीं है, कुछ भी दर्द नहीं, बिल्कुल आराम है, लग ही नहीं रहा है कि मेरे कभी दर्द था। तो फिर उनकी सासू माँ समझाती है कि बेटा ये भगवान है, ये कोई खिलवा नहीं है, ये प्रत्यक्ष है कन्हैया जी, और अगर मानो तो फिर बाद में वो कृपा भी करते हैं और अगर ना मानो तो वो अपना कोप भी दिखाते हैं, अपनी नाराजगी भी दिखाते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होके वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, वो इसी तरीके के कुछ संकेत होते हैं जो कि आपको देते हैं और उन संकेतों को, उनकी नाराजगी को, उनके जब वो प्रसन्न है, वो सब चीजें आपको अनुभव करनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है। और देखो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुम भगवान के उसमें अगर शरण में हो तो उस तरीके से रहना पड़ता है, सात्विक रहना पड़ता है। देखो इतने बड़े बड़े साधु संत जो है तो इतनी आसानी से नहीं वो होते हैं, उन्होंने बहुत से त्याग किए हुए हैं, बहुत से ऐसे गलत चीजें कभी यूज नहीं करते हैं, तभी उनको इतनी कृपा मिलती है भगवान की और उनको शरणागति मिलती है। तो बेटा अगर ये पहनी हो तो हमेशा के लिए छोड़ दो। फिर वो भी कहती है कि हाँ माँ अब मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगी। और बिहारी जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से वो जो बहू थी उसमें परिवर्तन आ गया एकदम से, और जो आंटी का जीवन एकदम से वैसा हो गया था, इतना हंसी खुशी परिवार बहू की वजह से परेशान से रहने लगे थे, लेकिन भगवान बिहारी जी लड्डू गोपाल ने पूरे परिवार में ऐसी खुशहाली लौटा दी। बहू अपनी सास का कहना मानने लगी, लड्डू गोपाल की भक्ति करने लगी, लड्डू गोपाल की कृपा से बहू को एक सुंदर सा प्यारा सा बाल गोपाल जैसे एक बेटा हुआ, जो कि आज सारा परिवार भक्ति में लीन है और भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा उनका सब कुछ चल रहा है। और जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं उनके घर में कृपा का तो पूछो नहीं, वो तो ऐसी कृपा बरसाते हैं कि जिनका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, और ऐसे ही वो छोटी मोटी अनुभूतियां करा के अपने भक्तों को सही रास्ते पर लाते हैं। अगर हम कभी गलती से भी गलत रास्ते पर चले गए तो भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं और उनको सही राह में लेके आते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। भगवान हर किसी के जीवन में सुख लाना, समृद्धि लाना, और गलत रास्ते पे अगर कोई चला भी गया है तो उसको सही राह दिखाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।